भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशा भाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाजपाइयों के द्वारा ठाकरे जी का संगठन और पार्टी में दिए गए महान योगदान को याद किया गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, महात्मा गांधी जहां से भी देख रहे होंगे वह दुखी हो रहे होंगे। श्रद्धेय स्वर्गीय कुशा भाऊ जी ठाकरे और श्रद्धेय स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा की आज पुण्यतिथि है। ठाकरे जी भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान यात्रा तक हमारे ऐसे आधार स्तंभ रहे हैं जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। और मध्य प्रदेश में तो हम ये मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अगर देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो ये श्रद्धेय कुशा भाऊ ठाकरे जी की ही तपस्या है, जिनसे सीखकर ही भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। हमारी ओर से शुभकामनाएं, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, हमारी ओर से बधाई शुभकामनाएं। लेकिन आज कांग्रेस कहां पहुंच रही है? महात्मा गांधी जी आज भी जहां से भी देख रहे होंगे दुखी हो रहे होंगे। उन्होंने शायद यही सोचकर कहा था आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। स्थापना दिवस के समय पर, उस अवसर पर लड़ाई झगड़ा, ये गांधी जी की कांग्रेस तो नहीं हो सकती। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।